गुरुवल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयालु की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। श्रीराज धरण की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सब वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आज आप सुन रहे हैं 252 वैष्णव वार्ता और 69वां दिन भाग 69। प्रारंभ करें हैं सब वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। अब श्री गोसाई जी के सेवक पुरुषोत्तम दास पुष्करणा ब्राह्मण काशी के वासी इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम त्रिवेणी है। ये कुमारिका की यूथ में हैं। प्रवीणाते प्रगति हेताते इनके भाव रूप हैं। सो त्रिवेणी नंदालय की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। सो एक समय श्री गोसाई जी आप काशी में विराजत होते तहाँ आप मणिकर्ण का स्नान को नित प्रति पधारत है। सो एक दिन श्री गोसाई जी आप मणिकर्ण का घाट पर स्नान कर संध्या करते हैं। तात समय पुरुषोत्तम दास हु गंगा जी में स्नान करत होते। सो इन दर्शन पाए सो पुरुषोत्तम दास को श्री गोसाई जी के दर्शन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोट कंदर्प लावण्य ऐसे भय। सो पुरुषोत्तम दास थकित भय रहे। सो ये बड़ी बेर लो देखियो करे। तब श्री गोसाई जी पुरुषोत्तम दास को देवी जी जान पूछे जो तुम कौन हो यहाँ ऐसे क्यों ठाड़े हो रहे हो। तब पुरुषोत्तम दास ने श्री गोसाई जी से विनती की नहीं जो महाराज मैं पुष्करणा ब्राह्मण काशी में रहता हूँ। मेरे माता पिता को है नहीं दो अक्षर जानत हूँ। ताते श्रीमद् भागवत बाँच अपनो निर्वाह करत हूँ। सो आज विधाता मेरे दाहिनी भई है। ताते मैं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन पाए अब मैं आपके शरण हूँ। सुकृपा कर मुको आपनो सेवक कीजिए। सुप्रतो पुरुषोत्तम दास की यह भांत दीनता देख श्री गोसाई जी आप बहुत प्रसन्न भय। पाछे कृपा करी पुरुषोत्तम दास को नाम निवेदन कराए सेवक किए। तो पुरुषोत्तम दास श्री गोसाई जी को विनती करे जो महाराज अब मेरी कहा मेरो कहा कर्तव्य है। तब श्री गोसाई जी आप पुरुषोत्तम दास को कहे जो आज पाछे भागवत की जीविका सर्वथा मत करियो और तो तेरी इच्छा हो सो करियो। तब पुरुषोत्तम दास कहे जो महाराज आप कृपा कर मुँह को अपनी टहल दे तो भलो है अब मैं जगह जगह कहाँ भटकूँगो। तब श्री गोसाई जी आप पुरुषोत्तम दास को सरल स्वभाव देख उनको अपनी पास राखे। वार्ता प्रसंग एक। सो श्री गोसाई जी काशी थे पुरुषोत्तम क्षेत्र को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को पधारे। सो पुरुषोत्तम दास श्री गोसाई जी के संग चले तहाँ पुरुषोत्तम दास ने श्री गोसाई जी को सकड़ी महाप्रसाद अरोग आयो। बा प्रकाश काये थे ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। ताते वैष्णवन के साथ वैष्णवन के हाथों श्री जगन्नाथ राय जी को सकड़ी महाप्रसाद लेन की मर्यादा श्री आचार्य जी महाप्रभु आप राखी हैं। ताते पहले हूँ श्री गोसाई जी आप बीरजों के हाथ से श्री जगन्नाथ राय जी को सकड़ी महाप्रसाद आरोग्य हैं। वार्ता प्रसंग दो। बहर एक समय पुरुषोत्तम दास ने श्री गोसाई जी से कहो जो महाराजा धीराज गोपीनाथ दास भीतरिया ने मुख कहो जो श्री गोकुलनाथ जी आप तो ईश्वर हैं जो कोई को रुपया दे के प्रसन्न करत हैं और कोई को पात्र दे के प्रसन्न करत हैं। तब श्री गोसाई जी अपने पुरुषोत्तम दास से कहो आपने पुरुषोत्तम दास से कहो जो हाँ हाँ पुरुषोत्तम दास श्री वल्लभ ऐसो ही है। तब पुरुषोत्तम दास ने श्री गोसाई जी से विनती की नहीं जो महाराजा धीराज आप तो श्रीमुख के अधरामृत के वचन सींच के वैष्णवन को प्रसन्न करत हो। तब श्री गोसाई जी ने पुरुषोत्तम दास से कहो जो जाको रुपया देते हैं सो तो अप्रसन्न होते हैं। काये थे जो वैष्णव हो तो सो तो गुरु द्रव्य ले नहीं। सो यह प्रकार पुरुषोत्तम दास को श्री गोसाई जी आप शिक्षा दिए। तापाचे श्री गोसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को पुरुषोत्तम दास को संग लेके श्रीनाथ जी द्वार पधारे। सो स्नान कर पर्वत ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधार
श्री गोवर्धन नाथ जी को आप श्रृंगार किए, पाछे राजभोग समर्प समय भई भोग सराय राजभोग आरती के समय पुरुषोत्तम दास को बुलाए के दर्शन कराए। सुदर्शन करके पुरुषोत्तम दास बहुत ही प्रसन्न भय और कहो जो धन्य मेरो भाग्य है। ता पाछे श्री गोसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को अनवसर करवाए के श्री राज पर्वत के नीचे उतर के अपनी बैठक में आए विराजे। ता पुरुषोत्तम दासु आए श्री गोसाई जी को दंडवत करके बैठे। पाछे पुरुषोत्तम दास ने पूछो जो महाराज मर्यादा मार्ग में और पुष्टि मार्ग में भेद कहा। तब श्री गोसाई जी आप आज्ञा किए जो मर्यादा मार्ग में साधन की मुख्यता और कर्म के फल की इच्छा रहते हैं और पुष्टि मार्ग में स्नेहपूर्वक कृष्ण सेवा निष्काम भाव से करे हैं और भगवदीय को संग कर भगवत अनुग्रह को बल विचार के केवल निस्साधन पने की भावना करें, भगवत धर्म को आचरण करें, ये मुख्य है। और लौकिक वैदिक तो लोगन को दिखाएवे की ताई करें, मुख्यता तो भगवत धर्म की है। जा में ठाकुर को सुख होए सो भगवत धर्म कहिए और सब गौण भाव हैं। पाछे श्री गोसाई जी पुरुषोत्तम दास को सिद्धांत रहस्य आदि सब ग्रंथ अभिप्राय सहित पढ़ाए। था पाछे श्री गोसाई जी आप भोजन को पधारे सो पुरुषोत्तम दास को पातर धराई। पाछे श्री गोसाई जी आप भोजन कर छिनक विश्राम किए। ता पाछे जगे और पुरुषोत्तम दास वो महाप्रसाद लेके उठे। तब पुरुषोत्तम दास ने फिर श्री गोसाई से विनती करी जो महाराज अधिराज श्री ठाकुर जी पीताम्बर काहे को पहरत हैं और स्वामिनी जी नील वस्त्र काहे को धरत हैं। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी जो श्री स्वामिनी जी को गौर वर्ण है कंचन जैसे, सो श्री स्वामिनी जी के बिना श्री ठाकुर जी खेनहू रहत नहीं। ऐसे ही श्री ठाकुर जी को श्याम वर्ण है सो श्रृंगार रस रूप है जा में अगाध रस भरो है। सो श्री स्वामिनी जी या स्वरूप बिना क्षण हूँ रह सकत नहीं। सो दून को गाढ़ो प्रेम है ताते ये दू नीलाम्बर पीताम्बर धारण करते हैं ताकर दू के प्रेम को सूचन होते हैं। सो श्लोक रूपम तदई तदति सुंदर नील मेघे प्रोद्यत तिड़न मद हरम ब्रजभूषणांगी एतत् समानमिति पीतवरम दुकूल मुरावुरस्यापि विवर्ति सदा सनाथः। वाह प्रकाश सुया को भाव सूरदास जी गाए हैं सुपद। बलि 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 कुंवर राधिका नंद सुवन जासो रतिमानी तू अति चतुर वे चतुर शिरोमणि प्रीत करो कैसे रहे छानी। वे जो धरत तन कनक पीत पट सो तो सब तेरी गति ठानी ते पुन श्याम सहज वे शोभा अंबर मिस अपने उर आनी। पुलक रोम अब ही हुए आयो निरख रूप निज देह सयानी। सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो हो भयो बिहशानी। सुया प्रकार दो जन परस्पर प्रेम को प्रकाश करते हैं ये भाव जान लो। ये सुन के पुरुषोत्तम दास या रस में मगन हो गए। ता पाछे पुरुषोत्तम दास को श्री गोसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में राखे सो जिए तहान और सेवा की नहीं। सो श्री गोसाई जी की कृपा ते पुरुषोत्तम दास ने भली भांत सो श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा की नहीं। सो श्री गोवर्धन नाथ जी पुरुषोत्तम दास को सहानुभावता जनावन लागे। ता पाछे कितने के दिन में पुरुषोत्तम दास की देह छूटी सो सब वैष्णव मिलके अग्नि संस्कार कियो। सो भी पुरुषोत्तम दास पुष्करणा ब्राह्मण श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भय जिनके ऊपर श्री गोसाई जी सदा प्रसन्न रहते ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है। यहाँ वार्ता प्रसंग 49 विश्राम हुए है। सो आज वार्ता को यहीं विश्राम करें और यहाँ ते आगे की वार्ता आप सब कल श्रवण करेंगे। सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।